रात को कई लोग गहरी नींद में सोते हैं तो वहीं कुछ लोगों की आंख रात में कई बार खुलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एक निश्चित समय पर ही आंख खुलती है। ऐसे में अगर आपकी आंख 3 बजे या उसके आसपास खुलती है तो इसका क्या मतलब है? कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की नींद 3 से 5 के बीच खुलती है तो इसका अर्थ है कि कोई दैवीय शक्ति आपको 3 बजे या उसके आसपास खुलती है तो इसका क्या मतलब है? कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की नींद 3 से 5 के बीच खुलती है तो इसका अर्थ है कि कोई दैवीय शक्ति आपको संदेश देना चाहती है। आजकल इस भाग दौड़ के समय में लोग देर से सोने व देर से उठने के आदि हो गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करने से व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय देवताओं का समय माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। यह भी माना जाता है कि इसी समय में माता सरस्वती हमारी जिह्वा पर विराजमान होती हैं और इस समय जो भी मांगा जाता है माता सरस्वती उसे पूरा करती हैं। यदि आपकी नींद 3 बजे अचानक खुलती है तो इसका मतलब सृष्टि व दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठे और अपने इष्ट देव की आराधना करें। आप परमात्मा का जाप करें क्योंकि काफी शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं जो आपको मिल सकती है। वहीं अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो इसका मतलब कोई अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने कोशिश कर रही है जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का 3रा भाग है। धर्म शास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का यह सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 तक होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं उन पर सदैव दैवीय कृपा बरसती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि अगर कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय 3 या 4 बजे के बीच नींद अचानक से खुल जाती है, बिना किसी अलार्म या बिना किसी के जगाए लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसे काफी शुभ बताया गया। दरअसल सुबह 3 से लेकर 4 बजे का समय काफी महत्वपूर्ण होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस समय कई ऐसी शक्ति हैं जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। क्या करना चाहिए? इस समय अगर आपकी नींद 3 से 4 बजे के बीच खुल रही है तो आपको यह समझना चाहिए कि प्रकृति आपको एक संदेश दे रही है। वह आपको कह रही है कि इस समय सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जिसका लाभ उठाकर आप अपनी जिंदगी को काफी बेहतर बना सकते हैं। उठते ही करें ये काम। इस समय नींद टूटती है तो आप उठ जाएं और अपने इष्ट देवता या फिर अगर आपको कोई साधन बताया गया है तो वह इस समय जरूर करें। इसका लाभ आपको 5 गुना मिलेगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने इष्ट देवता का नाम चुपचाप बैठकर जाप भी कर सकते हैं। यह भी उतना ही फलदायी होता है। जीवन में होते हैं चमत्कारिक बदलाव। ज्योतिषचार्य यह भी बताते हैं कि कई लोगों की नींद टूटने की बीमारी भी होती है। इसलिए अगर ऐसा आपके साथ हमेशा होता है तो अपनी बॉडी चेकअप भी करा लें कि आपको कोई समस्या तो नहीं। अगर कोई समस्या के बगैर नींद टूटती है तो समझ जाइए फिर प्रकृति आपसे कनेक्ट होना चाहती है। अगर आप इस समय का अच्छे से इस्तेमाल कर लें तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेंगे। सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में प्रगति, मान सम्मान व प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्रियजनों के पास भी शेयर करें। लेट्स गो।